होंगे तो हम उन आदत को कंटिन्यू करके अपने लाइफस्टाइल का एक परमानेंट फीचर बना सकते हैं। सो 2190 का मतलब ये है कि आपने अगले 21 डेज इन चीज़ों को फॉलो करना है, और जब आप 21 डेज फॉलो करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो है 90 मिनट्स ऑफ योर ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी। द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज स्टार्टिंग योर डे विथ समथिंग यू आर नॉट गुड एट। अब हमारी रूटीन में ये होता है कि हम सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और भाग जाते हैं अपने दफातर की तरफ, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों की तरफ। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो बजाय इसके कि हम वो काम करें सबसे पहले जो कि हमें करना चाहिए या जो हमें नहीं आता, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो वेस्ट करना गॉसिप करने में हो सकता है, बातें करने में हो सकता है, सोशल मीडिया को चेक करने में हो सकता है, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हालांकि 90 मिनट्स जो कि सुबह के होते हैं, जब आप तैयार हो जाते हैं, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू डू समथिंग, जब आप सेट हो जाते हैं काम करने के लिए, वो 90 मिनट्स हैं जब आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो अपनी पीक के ऊपर होती है। सो इफ़ यू आर नॉट गुड एट समथिंग, लेट्स से वोकैबुलरी, और आपको वोकैबुलरी तैयार करनी है, तो जो बेस्ट टाइम है वोकैबुलरी तैयार करने का वो है जब आप सुबह नाश्ता करके तैयार हो गए हैं, आपने कुछ करने के लिए बैठ गए हैं। तो सुबह जो आप पहला काम करेंगे वो है वोकैबुलरी। इफ यू आर नॉट गुड एट एन अदर थिंग लाइक यू आर हैविंग प्रॉब्लम विद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और यू हैव प्रॉब्लम विद एनी अदर सब्जेक्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा या आप उसको करना चाहते हैं, तो आपने अपने पहले 90 मिनट्स जो हैं वो आपने स्पेंड करने हैं उस काम के ऊपर। जब आप स्पेंड करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो टाइम आपको लगता था उस चीज़ को लर्न करने में वो मिनिमम हो जाएगा। दूसरी चीज जो हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं वो है फोकस की। अब जबकि हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस कम हो गई हैं, जाहिर बात है हमें बाहर नहीं जाना, हमें किसी ट्रांसपोर्ट के लिए वेट नहीं करना, हमें अपने घर में रहना है, वी आर लॉकडाउन, तो हमें फोकस करने का टाइम मिला है। और ये जो हम रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं ये इसलिए फील कर रहे हैं बिकॉज वी आर अनएबल टू फोकस ऑन एनीथिंग एट ऑल। फोकस करने की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने ज़ाती तौर पे की हुई है वो ये है कि कोई भी आपके दरवाजे का जो की होल है आपने उस की होल को देखना है। आप जब आप उस की होल को देख रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर आईज एंड योर माइंड आर बोथ आर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये नहीं है कि मेरी आंखें की होल के ऊपर है लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है, मुझे दोनों चीज़ों से, आंखों और दिमाग से मुझे उसी की होल को देखना है। आप पहले 2 मिनट ये काम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इसको 10 मिनट पे ले जाएं। ये जो फोकस करना है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये चीज़ हम देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर जब वो कोई चीज़ पढ़ते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं कुछ, आपने पढ़ लिया, 2 सफ़े पढ़ने के बाद आप सोचें एक सेकंड को कि अभी आपने पीछे क्या पढ़ा है, आपको कुछ याद नहीं होगा क्योंकि आपकी आंखें तो उन जुमलों के ऊपर थी, आपकी आंखें किताब पे थी, बट योर माइंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड, इट वॉज समवेयर एल्स। यू नीड टू फोकस। अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी, आप बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न कर देंगे। एंड बिलीव यू मी, हमारे पास एक स्टूडेंट होता है जो कि 6 साल में तैयारी नहीं कर सकता इम्तहान की, और एक स्टूडेंट होता है जो 6 महीने में तैयारी करता है, पेपर देता है, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर वो सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा स्टूडेंट है वो फोकस्ड होता है, जो पहला स्टूडेंट होता है वो फोकस्ड नहीं होता। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो हार्ड वर्कर नहीं है, मेहनत दोनों ही कर रहे होंगे, लेकिन जो फोकस स्टूडेंट होगा उसकी मेहनत जो होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो अपनी मंजिल को अचीव कर लेगा। तीसरी आदत जो मैं चाहूंगी कि आप अपने अंदर डेवलप करें वो है राइटिंग। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे पास है, उस सिस्टम के अंदर हम अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो क्रिटिकल थिंकर बन सकें, वो क्रिएटिव राइटिंग कर सकें, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन जब आप कंपेटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो सडनली यू आर रिक्वायर्ड टू यू नो एक्सप्रेस योर आइडियाज इन टू गुड इंग्लिश। You are supposed to express your ideas as profoundly as you can, as adequately as possible, and you are competing with thousands of other students. ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप कोई चीज़ क्रैम करेंगे ना वो आपके काम नहीं आएगी क्योंकि आप भूल जाएंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, पेपर अनप्रडिक्टेबल है, आपको जो चीज़ डेवलप करनी है वो है एक्सप्रेशन, योर राइट रिटन एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को डेवलप करने का तरीका ये है कि जब आप फोकस्ड रीडिंग कर रहे हैं तो आपने रीडिंग कर ली, साथ ही आप उस चीज़ को लिख लें। जब आप उस चीज़ को लिख लेंगे तो वो आपको ज़िंदगी भर भूलेगी नहीं। ठीक है, सो जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो है डेवलपिंग एक्सप्रेशन। और जब हम बात करते हैं ना कि आपने फोकस करना है,
तो फोकस करने से मुराद है यू जस्ट नीड वन बुक टू रीड. तो आप अगर एक किताब पढ़ रहे हैं, आप अपने गैजेट्स को, आप और मैं गैजेट्स लेके बैठे हैं ना, तो आपको खुद ही रियलाइज हो गया होगा पिछले 3-4 दिनों के अंदर कि मोबाइल फोन इज अ बैड कंपेनियन. इट इज़ बम्बार्डेड विद द सेम इन्फॉर्मेशन. लोगों के मसाइल सेम हैं, वो एक ही तरह के स्टेटस अपलोड कर रहे हैं. अभी आपको एक बंदा मैसेज करेगा कि ये WHO का नंबर है, और साथ ही 10 लोग और वही मैसेज कर देंगे. एक ऑडियो आएगी, 20 लोग सेम ऑडियो सेम इमेज जो है वो आपको शेयर कर देंगे. ये जो इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है ये रिपिटेटिव है, एंड देन वी डोंट नो कि फेक क्या है, रियल क्या है. डिप्रेसिंग भी है, लोगों का माइंड सेट भी है, अनसर्टिनिटी भी है, लेकिन लर्न करने के लिए कुछ नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि आप सोशल मीडिया पे कुछ लर्न कर सकते हैं. सो जब आपने फोकस करना है, फोकस रीडिंग करनी है, तो गेट अ बुक. जब आप एक किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब आपको ऑनलाइन मिल जाए, वो आपको हार्ड फॉर्म में मिल जाए, जैसे भी किताब मिले, उसको पढ़ के आप लिख लें. और जब आप उसे लिख लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा. ये 21 डेज की अगर आप प्रैक्टिस कर लें, भले आप दिन के 2 सफ़े लिखें, आपका एक्सप्रेशन, आई गारंटी यू कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो बाय द एंड ऑफ दिस क्वारंटीन आपका एक्सप्रेशन जो है वो डेवलप हो चुका होगा इंशाल्लाह. चौथी चीज़ जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं वो है लिव विद मिनिमम. यू नो व्हेन आई एम इन दिस आइसोलेशन फॉर लास्ट, आई थिंक दिस इज द 10th डे ऑफ सेल्फ आइसोलेशन. Alhamdulillah, I don't have any problem. But, you know, being a sensible citizen, being a responsible citizen, it was my responsibility to isolate myself and my family. और हमें वो एक part नहीं बनना इस pandemic को spread करने के अंदर. So, जब मैं इस ये isolation हमने शुरू की, so, you know, there are so many things that I don't have at the moment. वो मेरी internet device भी है, वो मेरी किताबें भी हैं, even वो मेरी favorite notebook है जिसके ऊपर मैं लिखती हूँ. I don't have many books. Many things that I need at this point. But you know, in this isolation, I have realized that we don't need a library to start reading. We just need one book. So, वो एक अच्छी किताब आपको मिल जाए, वो एक कॉपी मिल जाए, वो कॉपी जैसी भी हो जिसके ऊपर आपने लिखना है, it could be anything. हमें मिनिमम के साथ सर्वाइव करना है. और आपको पता है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, they keep their life simple. सो अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो एक किताब ही पढ़ें, उसको पढ़ लें, ख़त्म कर दें. एक सब्जेक्ट तैयार करें, आपको थोड़ी सी यू फील के यू आर गोइंग टू गेट बोर्ड, तो आप 2 सब्जेक्ट्स तैयार कर लें. आप पढ़ रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि नहीं एक किताब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या मैं एक सवाल एक वक्त में तैयार कर सकता हूँ, आप 2 सवाल कर लें. लेकिन अपने आप को मिनिमम के साथ सर्वाइव करना सिखाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सर्वाइव विद द मिनिमम, और दिस इज एक्चुअली द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. तो आप जो एक चीज़ पकड़ रहे हैं उसको पूरा करें, वो पूरी हो जाए तो आप दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मिनिमम के साथ एडजस्ट करें. और अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैंने कुछ किताबें रिकमेंड की अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जी मिस ये किताब नहीं है, वो किताब नहीं है, हमारे नोट्स हॉस्टल में पड़े हुए हैं, हमारी बुक्स हॉस्टल में पड़ी हुई हैं. दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव योर सेल्फ एनी एक्सक्यूज. यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन एंड यू कैन डाउनलोड द बुक. आपके पास इंटरनेट कनेक्शन इतना तो है ना कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतना तो है कि आपने कोई चीज़ जो है वो खोल ली है, किताब डाउनलोड कर ली है, आप फोन पे किताब को पढ़ सकते हैं, आप उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं. तो मिनिमम के साथ सर्वाइव करना शुरू करें. और मिनिमम के साथ सिर्फ ये मतलब नहीं कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, मिनिमम से मुराद ये भी है कि अपने आप को मिनिमम चीज़ों में सराउंड करें. मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ, आप उनकी वो स्टडी टेबल देखें तो उसके ऊपर बहुत सारी किताबें होंगी, एक ग्लोब भी होगा, बहुत सारी स्टेशनरी होगी. यू डोंट नीड ऑल दोज थिंग्स टू वर्क विद, यू नीड वन पेन, वन कॉपी एंड वन बुक टू वर्क विद. तो मिनिमम के साथ एडजस्ट करना सीखें. लास्ट आदत जो मैं आपको चाहूंगी कि आप अपने अंदर डेवलप करें वो है स्टिकिंग विद हाई अचीवर्स. अपने उन दोस्तों को के साथ रहें जो कि ऑप्टिमिस्टिक हैं. हमारे अब जाहिर बात है कि हमें कॉन्टेजियस डिजीज के बारे में बहुत कुछ पता चला है. देर इज़ अ थिंग कॉल्ड इमोशनल कंटेजियन. हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं दे स्टार्ट मिररिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल वी आर सराउंडेड विद. तो अगर आप टॉक्सिक पीपल के साथ हों, इफ़ यू आर विद पेसिमिस्टिक पीपल, यू स्टार्ट डूइंग और यू स्टार्ट बिहेविंग इन द सिमिलर वे. सो आपके जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, सिफ्ट द हाई अचीवर्स फ्रॉम लो अचीवर्स. जब आप इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, आई एम नॉट आस्किंग यू टू अनफ्रेंड दोज पीपल हु आर पेसिमिस्टिक, नॉट एट ऑल. आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू दैट. दे आर योर फ्रेंड्स, यू आर सपोज टू स्टिक विद देम, बट यू डोंट हैव टू फॉलो देम, यू डोंट हैव टू टेक देम एज एन आइडियल, यू डोंट हैव टू रेप, यू नो, मिमिक
और रिपीट देयर बिहेवियर. यू डोंट हैव टू डू दैट, क्योंकि हम इमिटेशन से सीखते हैं. अब आप ये देखें कि जितनी नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द है वो इसलिए है क्योंकि सब लोग नेगेटिव हैं. अब अगर सब लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो एकदम से पॉजिटिव हो जाएंगे. सो यू हैव टू डिसाइड कि जो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है, जो लोग पॉजिटिव हैं, आपने उनको फॉलो करना है. ये वैसे ही है जैसे आप ऑनलाइन देखते हैं कि CSPs जो हैं उनके इंटरव्यूज देखते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर सक्सेसफुल. यू वॉन्ट टू नो कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी. द सेम इज ट्रू फॉर योर लाइफ. सो आपको हेल्प करना चाहिए उन लोगों को जो कि सक्सेसफुल नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. लेकिन जिन लोगों के साथ आपको स्टिक करना है वो हैं जो कि हाई अचीवर्स हैं. ठीक है? सो दिस इज़ द राइट टाइम. आई डू अंडरस्टैंड दैट दीज आर डिप्रेसिंग टाइम्स और अच्छा टाइम नहीं है. और लोग जो हैं, द डेथ टोल इज़ कॉन्टीन्यूसली राइजिंग और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है. लेकिन एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ मदर, आई फील कि ये वो राइट टाइम है जब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं. और ये टाइम आपको ज़िंदगी में कभी और मिलना नहीं था. तो अगर आपको ये टाइम मिल गया है तो इसको इस्तेमाल करें अच्छी आदत को डेवलप करने के अंदर और अपने आप को चेंज करने के अंदर, अपने आप को पहचानने के अंदर. यू नो, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, रिकोगनाइज योर सेल्फ एंड रिकोगनाइज द पीपल विदाउट होम यू कॉन्ट लिव. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने आप को रियलाइज करें और इस क्वारंटीन में से इंशाल्लाह हम लोग निकल आएंगे. डैट इज़ नॉट एन इशू बिकॉज वी आर अ सेंसिबल नेशन और हमें सेंस है, हमें अवेयरनेस है. हम इसमें से निकल आएंगे. और जब हम इसमें से निकलेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी मस्ट कम आउट ऑफ इट एज अ बेटर पर्सन, एज अ बेटर ह्यूमन बींग, एज अ बेटर स्टूडेंट. एंड वी मस्ट गेट रिड ऑफ दोज बैड हैबिट्स दैट वी हैव अनकॉन्शियसली डिवेलप्ड ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम. So this is my personal message. I hope that this problem is going to fade away in days to come, inshallah, in summer, or some vaccine will be developed very soon, hopefully, inshallah. In the meantime, I expect that you will follow my advice, you will change your behavior, you will become a better person, you will change your habits so that you can become successful. You can, or success ka matlab ye nahi hai ki aapne competitive exam hi pass karna hai. Success ko hum bahut tarikon se translate kar sakte hain. Success ye bhi hai ki hum is jo hamari zindagi mein ye jo takleef ka waqt aaya hai, ye jo pareshani aayi hai, iske darmiyan mein apne aap ko composed rakhna भी एक कामयाबी है कि हम रेस्टलेस ना हो, हम अपने आप को कंपोज रखें, हम बहुत काम रहें, हम समझें कि इसमें क्या मसलहत है. सो ये भी एक सक्सेस होती है. तो सक्सेस की डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं. ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज डेवलपिंग गुड हैबिट्स एंड ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट यू टू फॉलो माई चैनल. एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल. And if you need, if you want me to make video on any topic that you are having difficulty in, do let me know. I'll try my best to address your queries. And I hope that I will see you on the other side of quarantine. Thank you so much.